हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे हो। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं वेजिटेबल राइस। सो वेजिटेबल राइस आज बनाएंगे। देखिए सभी वेजिटेबल सब्जी जो मैंने यहाँ पे काट के रखा है, यहाँ पे एक आलू काटा है, एक काकरोल है, यहाँ पे कैप्सिकम है, कैरेट है और बीन्स है। उसके साथ हम बनाएंगे बुलेट राइस का वेजिटेबल राइस। सो आप देखिए मैं कैसे बनाता हूँ वेजिटेबल राइस। उसके साथ ये सोयाबीन भी डालेंगे क्योंकि सोयाबीन डालने से बहुत टेस्टी होते हैं वेजिटेबल राइस। सो आप हमारे वीडियोस आप देखिए हम कैसे बनाते हैं और आप ऐसे ही घर में बना के उसको सबको खिलाइए, अच्छा लगेगा सबको, बहुत ही अच्छा रहेगा ये राइस, क्योंकि हम बहुत टाइम से ये बना रहे हैं, मुझे एक्सपीरियंस है कैसे बनता है और कैसे टेस्ट बनता है। सो फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़ रही है। उसके साथ हम ऐड करेंगे यहाँ पे अनियन ऐड करेंगे, लहसुन ऐड करेंगे और साथ में अदरक ऐड करेंगे। तो आप देखिए हम कैसे बनाते हैं। पहले मैं ये वेजिटेबल्स को मैं कढ़ाई में डाल के फ्राई कर लेता हूँ, तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियोस आगे तक देखते रहिए मैं कैसे बनाता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, वेजिटेबल राइस बनाने के लिए पहले मैं सोयाबीन को भाजी कर लूँगा कढ़ाई के अंदर। आप देख पा रहे हो सोयाबीन में पहले सोयाबीन को मैं भाजी कर लेता हूँ। उसके बाद जो सब्जी मैंने काटा है, सब मिक्स सब्जी आपने देखा हो, देखा पहले मैंने दिखाया था, उसको मैं भाजी कर लूँगा। उसके बाद चावल को, बुलेट राइस को मैं वॉश करके प्रेशर कुकर में एक ही साथ बैठा दूँगा। साथ में यहाँ पे मैं जो डालूँगा वो है अनियन, वो संभस देना पड़ेगा हाँ तड़का लगाने के लिए। साथ में डालूँगा जिंजर, उसके बाद डालूँगा गार्लिक और साथ में गरम मसाला डालूँगा। और मेरे पास जो है ना वो वेजिटेबल्स मसाला भी है, वो भी मैं डालूँगा। आपके पास अगर है तो आप डालिए, या तो आप स्किप हो जाइए, स्किप हो जाइए, आप उसको डालने से भी नहीं डालने से भी चलेगा, लेकिन डालने से अगर अच्छा है तो आपके पास आप जरूर डालिए, बहुत फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, देखिए हम पहले उसको फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो मैंने सोयाबीन को भाजी कर लिया और कटोरा के अंदर मैंने रख दिया। अभी मैं फिर से कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाला है 3 स्पून, जो अभी मैं मिक्स सब्जी जो है उसको मैं भाजी करूँगा क्योंकि राइस वेजिटेबल राइस बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं 3 स्पून मैंने डाला है मैंने मस्टर्ड ऑयल। अभी यहाँ पे मैंने एक ऑनियन काट के रखा है, वो ऑनियन का भाजी करने के लिए लगा देता हूँ क्योंकि वेजिटेबल राइस बनाने के लिए। तो उसको मैं ठीक से ब्राउन करने के बाद ये जो मिक्स सब्जी मैंने काट के रखा ना फ्रेंड, वो मैं उसको फ्राई करूँगा। उसके बाद अलग से मैं राइस में राइस कुकर में बैठा के वेजिटेबल राइस बनाऊँगा। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो मेरा जो है ऑनियन है पूरा कढ़ाई के अंदर जो है ब्राउन मैंने कर लिया है उसको लो स्टीम में डाल के। अभी जो मैंने मिक्स सब्जी काट के रखा था मैं ये है डाल दिया कढ़ाई के अंदर। उसको ठीक तरह से अभी मैं फ्राई कर लूँगा। फ्राई करने के बाद कढ़ाई से मैं उतर के फिर प्लेट के अंदर रखूँगा और उसके बाद प्रेशर कुकर में मैं राइस डालने के बाद उसको मिक्स करके प्रेशर कुकर जैसे नॉर्मल आप जैसे चावल करते हो ना राइस करते हो ना एक दो सीटी मारते हो ना ऐसे एक दो सीटी मारते मैं भी उसको गैस को बंद कर दूँगा। तो फ्रेंड्स, मैं अभी अनियन के साथ ना मिक्स कर लिया। यहाँ पे मैंने आपको बोला था यहाँ पे मैं अभी डालूँगा ये अदरक पेस्ट यानी जिंजर पेस्ट, ये है गार्लिक पेस्ट। तो क्वांटिटी कम है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने गार्लिक और जिंजर पेस्ट भी कम डाला है, ठीक है। अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा डाल सकते हो। उसको ठीक से मैं मिक्स कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं अभी मसाला ऐड करने जाऊँगा। जो मसाला मैं ऐड करूँगा ना फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। मैं ऐड करूँगा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर जैसे नॉर्मली जैसे डालते हैं, और डालेंगे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको धनिया पाउडर, सॉल्ट और थोड़ा सा चिली पाउडर थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि उसमें मैं
वैसे राइस बनाने जा रहा हूँ तो इसके ज़्यादा चीनी नहीं डालूँगा, नहीं तो राइस का जो है हम करेंगे ना उसका कलर बिगड़ जाएगा। यहाँ पे मैं डालूँगा ग्रीन चिली, अभी दो ग्रीन चिली यहाँ पे डालूँगा। तो आप देखिए हमारे साथ और जुड़े रहिए हम कैसे बनाते हैं। लेकिन मैं फ्रेंड्स की स्पीकिंग इज वेरी टेस्टेबल राइस बनने वाला है, आप भी जरूर कोशिश कीजिए। तो देखिए दो चिली मैंने मिट्टी से पीस कर लिया, अभी मैं मसाला ऐड करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो ये सब मसाला मैं अभी ऐड करने जा रहा हूँ। ये जो है ये जीरा पाउडर, ये धनिया पाउडर, ये थोड़ा सा चिली, ये हल्दी पाउडर और सॉल्ट। आपने सोचा होगा क्यों नमक इतना क्यों कम डाल रहा है, क्योंकि वो तो वेज राइस बनाने वाला है तो इतना कम क्यों डाल रहा है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूँ मैं ये सॉल्ट अभी सिर्फ सब्जी के लिए लगने डाल रहा हूँ, अलग से मैं जब राइस बैठाऊँगा ना पेठा कुकर में तब राइस के अनुसार मैं सॉल्ट सब डालूँगा, तब जाकर राइस में लाएगा। अभी अगर मैं यहाँ डाल दिया तो सब्जी में ज़्यादा ये हो जाएगा लेकिन राइस में नहीं लाएगा तो खाने के लिए अच्छा नहीं लाएगा। इससे सिर्फ सब्जी के लिए मैंने ये सब मसाला ऐड करने जा रहा हूँ, अभी सॉल्ट इसलिए उसके साथ के लिए मैं डाला, अलग से मैं राइस में डालूंगा तब उसको क्वान्टिटी हिसाब से मैं राइस में डालूंगा। तो अभी फ्रेंड्स ये मैंने डाल दिया जैसे वो, अभी यहाँ पे अभी मैं ऐड करूँगा बेली यानी कैच पत्ता। गरम मसाला मैं जब पेठा में डालूँगा ना फ्रेंड्स तब गरम मसाला और वेजिटेबल्स मसाला तब मैं डालूँगा। वेजिटेबल्स राइस बनाने के लिए वो अलग से मसाला खाता हूँ आपको पता होगा, तो मैं वो अलग से डालूँगा तब गरम मसाला के साथ। अभी यहाँ पे मैं ऐड करने जा रहा हूँ तेज पत्ता। फ्रेंड्स जो तेज पत्ता मैंने डाला ठीक है, तेज पत्ता बाहर हर चीज़ को आप धो के डालिएगा ठीक है। तो मैं जो तेज पत्ता डाला अभी मैं ढक्कन ला के रख दूँगा जब तक कि वो टीचर से पक ना जाए, उसके बाद मैं उसके पेट के अंदर आऊँगा मसा जुड़े के लिए देखने के लिए हमारा वेजिटेबल स्वादिष्ट फ्राई। फ्रेंड्स आगे का प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे देख रहे हो आप राइस से, यह मैंने छोटा सा कटोरा से 1.5 कटोरा यहाँ पे राइस डाला मैंने, उसका भी वॉश करूँगा। और मेरा ये जो है वेजिटेबल्स अभी भी फ्राई हो रहा है स्टिल कंटिन्यू, तो अभी ये मैं वॉश कर लेता हूँ। फ्रेंड्स देखिए मैं प्रेशर कुकर में राइस डाल चुका हूँ और उसके अनुसार मैंने पानी भी मिला चुका हूँ। यहाँ पे नॉर्मल राइस से थोड़ा ज़्यादा मैंने पानी दिया क्योंकि सब्जी डालने वाला हूँ तो पानी उसमें खिंच जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाला यहाँ पे। सो अभी सब्जी डालने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्या क्या मैं ऐड करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं ऐड करने जा रहा हूँ स्टार फूड्स, वो है वेजिटेबल्स राइस या तो वेजिटेबल्स पुलाव या तो वेजिटेबल्स बिरयानी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। ये 4 इलायची, 2 लौंग, ये है 2 दालचीनी जो मैंने पीस कर लिया। और फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ पे ऐड करूँगा थोड़ा सा शक्कर यानी शुगर, अब अगर ऐड करते हो तो बेटर है। मैं थोड़ा सा शक्कर अभी ऐड करने जा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा शक्कर यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ अभी, क्योंकि ये जब बिरयानी वगैरह ये सब बनाते हैं ना वेज राइस बिरयानी ये सब लोग शक्कर यूज़ करता है ठीक है। अभी यहाँ पे मैं ऐड करने जा रहा हूँ सॉल्ट, जो पहले बोला था मैंने काम डाला था सब्जी में, वो यहाँ पे राइस के अनुसार सॉल्ट डालने जा रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे 1 स्पून सॉल्ट डाल रहा हूँ और थोड़ा सा डाल देता हूँ क्योंकि राइस है ना, राइस में थोड़ा लगने के लिए थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए सॉल्ट। सो मैं अभी टिकता से उसको मिक्स कर लेता हूँ। फ्रेंड्स मैं अभी सब्जी यहाँ पे डालने जा रहा हूँ, अब देखिए। सो उसके पहले फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ सब्जी मैंने फ्राई करके रखा है, देखिए डिश के अंदर थाल के अंदर रखा है। सो मैंने भूल गया था आपको दिखाने के लिए तो दिखा दिया अभी, तो मैं अभी ये प्रेशर कुकर के अंदर डालने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स देखिए मैं सब्जी को डाल के मैंने उसको मिक्स भी कर लिया ठीक तरह से। यहाँ पे मैं अभी क्या ऐड करने जा रहा हूँ कैन यू गेस, यहाँ पे मैं ऐड करने जा रहा हूँ पहले जो आपको बताया था जो मैंने फ्राई करके रखा था सोयाबीन, वो अभी ऐड करने जा रहा हूँ सोयाबीन। फ्रेंड्स मैं अभी ऐड करूँगा यहाँ पे गरम मसाला और
वेज राइस मसाला। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अभी मैं वेज राइस का मसाला मैं ऐड किया, थोड़ा मिक्स कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हल्दी पाउडर अलग से डालने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा हल्दी पाउडर डालने से ना वो वेज राइस पूरा येलो हो जाता है। सो आप चाहे तो आप यूज़ ही मत कीजिए, अगर आप यूज़ करना तो थोड़ा सा यूज़ कीजिए। अभी मैं गरम मसाला ऐड करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने गरम मसाला एक स्पून में ऐड कर लिया है और मिक्स भी कर दिया, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पर कोई कुछ नहीं चाहिए, अभी सब मैं रेडी कर दिया वेज राइस बनाने के लिए। अभी मैं ढक्कन लगाने जा रहा हूँ। ढक्कन लगाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं जो यहाँ पे जो मैंने वेजिटेबल यूज़ किया है वो है कैप्सिकम, पोटैटो, कैरेट, बीन्स एंड काकरोल। आप ध्यान रखिएगा, आपको अगर आप बना रहे हो वेजिटेबल राइस घर में तो ऐसे ही बनाइए, ऐसे ही वेजिटेबल्स ऐड कीजिए, अगर है तो ऐड कीजिए, नहीं तो सिंपल से ही कर सकते हो। सो फ्रेंड्स अभी मैं ढक्कन लगा के रख दूँगा और होने के बाद आपको दिखाता हूँ कैसे बना वेजिटेबल राइस। सो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए, प्लीज़ स्टे विद अस और देखिए कैसे बिरयानी वेजिटेबल राइस बनता है एज लाइक बिरयानी, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए, अभी मैं ढक्कन ला कर आ जाऊँगा एयर टू सिटी के बाद, लाने के बाद मैं उतरने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं अभी ढक्कन लगा देता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो मेरे वेजिटेबल्स जो राइस मैंने बनाया था वेजिटेबल सब्जी से वो रेडी हो चुका है प्रेशर कुकर के अंदर ही। आप स्मोक देख रहे हो धुआं जैसे वो उसका, क्योंकि उसका प्रेशर कुकर का वो जो है धुआं निकल रहा है, इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है देखने के लिए। तो फ्रेंड्स देख पा रहे हो मैं वेजिटेबल्स रेडी हो चुका है प्रेशर कुकर के अंदर। मैं अभी प्लेट में निकालने के बाद मैं डिश में आपको दिखा रहा हूँ कैसे उसका लुक है। फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो मैंने अभी